हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। सबसे पहले तो हमारे तमाम भोजपुरी दर्शकों को उनके अपने और सबसे चहेते प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बा, सलाम बा। और आज बहुत बड़े खुशी का दिन है, खुशी का दिन इसलिए भी क्योंकि आज का दिन जो है ये 14 साल पहले हमें नहीं पता था कि ये दिन इतना बड़ा दिन हम देखेंगे, लेकिन उम्मीद थी और वो उम्मीद आज साकार हुआ है। आज भोजपुरी जिस पैमाने पर, जिस लेवल पर है, इसमें बहुत बड़ा योगदान है विनोद गुप्ता जी का, जिन्होंने पहली बार भोजपुरी में अवार्ड फंक्शन की शुरुआत की थी, जिन्होंने अवार्ड्स का नींव रखा था और जिनकी सोच आज इतना ऊपर तक पहुंच गया है कि आज बहुत अच्छे लोग, सब लोग बहुत बड़े बड़े लेवल पर अवार्ड फंक्शंस कर रहे हैं। भोजपुरी में कई सारे अवार्ड फंक्शंस हो रहे हैं, तो ये बहुत अहम बात है और ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। अगर मैं सच्चाई बताऊँ तो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड वही है कि आज हम भोजपुरी को जिस लेवल पर देख रहे हैं, मैं चारों दिशाओं में जहां भी घूम रहा हूं, जिस तरफ भी नज़र घुमा रहा हूं, उस तरफ मुझे मेरा भोजपुरी नज़र आ रहा है, मेरे भोजपुरी के लोग नज़र आ रहे हैं, मेरे भोजपुरी के गीत नज़र आ रहे हैं, मेरे भोजपुरी का सिनेमा नज़र आ रहा है, तो इससे बड़ा अवार्ड, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता है। मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ, चाहे वो हमारे देश भारत में, हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान से बाहर सारी सीमाओं, हम जब हमारे सात समंदर पार भी कहीं जाते हैं तो वहाँ पर भी जब लोग कोई भी आके बोलता है ना कि कहो चिंटू भैया कैसन बानी, का हाल चाल बा, हमने के भी अपने के गांव के बारे, दिल से बताऊँ इतना खुशी होता है वो समय, वो इतना इतना शानदार होता है कि मेरे लोग आज, मेरा परिवार आज इतना फल फूल गया है तो बहुत खुशी होती है। और आज 14th भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स है तो उसके लिए तहे दिल से शुभकामनाएं, तहे दिल से बधाई हो इसके डायरेक्टर, इसके ऑर्गेनाइज़र श्री विनोद गुप्ता जी को। और ये ऐसे ही सालों साल चलता रहे, हमारे भोजपुरी के और भी नए नए फल, नए नए वृक्ष आते रहें और अपना अपना काम करते रहें। बिल्कुल, आज एक बहुत खूबसूरत सा मेडली प्रिपेयर किया हूँ और अब तक सच्ची बताऊँ तो अब तक मैंने कुछ तैयारी नहीं की है, रिहर्सल्स भी नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैं शूट कर रहा था हैदराबाद में मेरी एक फिल्म की, तो इसीलिए वहाँ से मैं डायरेक्ट अभी आया हूँ और अभी मैं कुछ देखता हूँ बैक स्टेज, कुछ रिहर्सल करके और फिर मैं डायरेक्ट स्टेज पर कुछ ना कुछ अच्छा करूँगा। अवार्ड्स बहुत मायने रखते हैं, स्पेशली अगर नए कलाकारों के लिए बात किया जाए तो बहुत मायने रखते हैं, इसलिए क्योंकि अवार्ड्स आपको प्रोत्साहित करते हैं, अवार्ड्स आपको बूस्ट करते हैं, अवार्ड्स आपको एक अंदर से एक नया जोश, नया जज्बा देता है कि आपने जो किया वो सिर्फ उतना ही नहीं था बल्कि आपको और आगे करना है, और अच्छा करना है, क्योंकि आपको कंपटीशन में रहना है, आपको अच्छा काम करना है। और अवार्ड जब आपको मिलता है उसकी खुशी एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग अनुभूति होती है। और जब आप अवार्ड्स के लिए जब आप काम करते हो, जब आपको ये अंदर फीलिंग आता है कि हाँ मैं और अच्छा काम करूँगा कि ताकि अगले साल मुझे और अच्छा अवार्ड मिले, और अच्छा काम करूँगा, तो ये जो जोश है, ये जो बात हमारे दिमाग में जो घूमता रहता है कि मैं और अच्छा काम करूँगा, और अच्छा काम करूँगा, तो अवार्ड्स की ये देन है। और नए कलाकारों के लिए मेरा तो हमेशा से ये रहता है कि भाई अवार्ड्स स्पेशली जो नए लोग हैं, जो न्यू कमर्स हैं हमारे भोजपुरी सिनेमा में, उनको सबसे पहले दिया जाए, क्योंकि जब नए लोगों के अंदर नई जोश होगी, नया जज्बा होगा, तो बिल्कुल कुछ नया आएगा भोजपुरी में। और ये मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी जो भी अवार्ड फंक्शंस हो रहे हैं उसमें सबको बखूबी, बहुत अच्छे से, जो भी उसको डिजर्विंग है उसको अवार्ड मिले, और स्पेशली नए लोगों को बहुत बहुत सारा स्वागत है हमारे भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में, हमारे भोजपुरी परिवार में। आखिरी सवाल सर, विवाह की सफलता के बाद क्या विवाह 2 बनने वाले, काफी फैन पूछ रहे कब तक बनेगा सर? विवाह 2 का अभी तो कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि लाइनअप्स बहुत सारे हैं। और हाँ, विवाह के लिए आप सभी को बहुत दिल से धन्यवाद, साल की सबसे बड़ी हिट बनाने के लिए बहुत अच्छी रही, आप सब ने बहुत प्यार दिया, हम लोगों को इतना उम्मीद नहीं था, बहुत अच्छी फिल्म थी जिसके निर्माता थे प्रदीप सिंह जी और उसके डायरेक्टर थे विवाह के मंजुल ठाकुर जी, और जितने मेरे सहकर्मी कलाकार थे, जितने भी मेरे टीम टेक्नीशियन, सबको बहुत ज़्यादा धन्यवाद और आप सबको सबसे बड़ा धन्यवाद। और बहुत जल्द एगो बहुत धमाकेदार लोकगीत हमारा आने वाला बा, गोर छुके गोर लागत आनी, ज़रूर सुनिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इसका भी विवाह नहीं हो रहा है सर, इस प्रश्न इसलिए इसने पूछा गया। हाँ, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो लोग वो सिनेमा जो नहीं देखे वो लोग ज़रूर देखें और आप लोग उस विवाह का, आप भी विवाह का आनंद ले सकते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.